तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो अब देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद से अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर अगेन देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.33% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 147 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 142, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 133 और 127 तक के लेवल्स भी यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक है 156 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 170, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 185 और 200-220 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।